कुरान के अंदर जो सजदों वाली आयत है ना, उनको जरा पढ़ के देखेगा अगर, तो दो तीन चार चीजें आपको सबने कॉमन मिलेंगी। एक कि वो खर्रू सुज्जदा, कि जब वो कुरान सुनते हैं ना तो वो सजदों के अंदर गिर जाते हैं। दूसरा लफ्ज आपको मिलेगा बुकिया, वो धाड़े मार मार के रोते हैं। तीसरा लफ्ज आपको कुरान की तिलावत के साथ मिलेगा, उनकी जो आंखें बह पड़ती हैं। चौथा लफ्ज आपको मिलेगा, वो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा कि दिल जो है इंसान के वजलत कुलूबुम, दिल नरस जाते हैं। और एक और लफ्ज मिलेगा तलीम, के दिल नरम हो जाते हैं इंसान के इस कुरान को पढ़ के सुन के। और हदीस के अंदर आता है जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, तुम्हारे दिलों को भी, इंसान के दिलों को भी जंग लग जाता है। और दुनिया का कोई भी केमिकल लगा के देख ले, वो जंग नहीं निकाल सकते आप। दुनिया का कोई भी कलाम सुन के देख ले, वो जंग नहीं हटा सकते आप। लेकिन कुरान की तिलावत, कुरान को सुनना, कुरान के साथ जैसे अपने आप को अटैच करेंगे, समझे उस दिल को जिंदगी वापस मिल जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी के अंदर वापस आ जाएगा। तो ये चीज कैसे होगी? ये चीज सिर्फ कुरान से हो सकती है, बस। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है।